नमस्कार अमरीदनो, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी, कई सारे सोशल मीडिया पे उनके कमेंट्स देखने को मिले कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो स्टार्ट कर रही हैं, जैसे कि BHU ने स्टार्ट कर दिया, कुछ और यूनिवर्सिटीज जैसे DU ने स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में एक बहुत ही फेवरेट और फेमस यूनिवर्सिटीज है बच्चों के बीच में, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो बच्चों के डाउट्स हैं कि सर ये कब तक स्टार्ट करेगा, तो इस वीडियो में हम लोग ये तो जानेंगे कि कब तक स्टार्ट करेगा, साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो इलाहाबाद काउंसलिंग 2023 का पूरा प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है, और आपको बेसिकली क्या क्या चीजें अभी से दिमाग में रखनी है और एक प्लानिंग लेके चलना है। देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUT UG के माध्यम से अपने यहाँ UG में एडमिशन देता है, लेकिन PG कोर्स के लिए ऐसा नहीं करता है। PG के लिए वो अपना स्वयं एग्जाम कराता है, स्वयं अपना रिजल्ट निकालेगा और स्वयं अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू एडमिशन देगा। लेकिन UG में, यानी BA हो गया, BLLB हो गया, BCOM हो गया, BSc हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन तमाम कोर्सेज में यदि आप इच्छा रखते हो एडमिशन लेने के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो ऐसे में आपको CUT UG देना है। और CUT UG देने के बाद जब CUT UG अपना रिजल्ट देगा तो उसके बाद अपनी काउंसलिंग जो प्रोसीजर है वो फॉलोअप करेंगे और उसी के थ्रू एडमिशन ले देंगे। तो एक बात तो यहीं से कंफर्म हो गई कि इलाहाबाद अभी अपना काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करने वाला है। रीजन ये है कि वो अपना CUT UG के रिजल्ट का इंतजार करेगा। अगर इंतजार नहीं भी करता है तो वो एक वीक के अंदर में ये सब चीजें करने की कोशिश करेगा। जैसे कि सैटरडे को आपका रिजल्ट आता है, सपोज जब भी आएगा 15-20 दिनों में, सपोज कि सैटरडे को आपका रिजल्ट आता है तो उसी वीक के मंडे में हो सकता है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर दे। कहने का सेंस ये है, या तो वो रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा या फिर उसी के 2-4 दिन पहले स्टार्ट करेगा, लेकिन 15-20 दिन इन विश्वविद्यालयों से की तरह नहीं पहले शुरू करेगा, ठीक है। और ऑलरेडी इलाहाबाद जब PG का पेपर कराया है तो उसके पास लोड है, तो कहीं ना कहीं वो अपने एडमिशन प्रोसीजर को स्टार्ट करेगा तब जब CUET या NTA अपना रिजल्ट UG का डिक्लेयर करेगा तब। अब बात आती है कि ये सब चीजें कब तक होने की संभावनाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल लिंक्स हैं थोड़े मोड़े जिससे ये बातें निकल के आ रही हैं कि इस मंथ के बाद, यानी कमिंग मंथ के फर्स्ट वीक ऑफ मींस जुलाई में आपका काउंसलिंग प्रोसीजर इलाहाबाद का स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि ये किस पोर्टल से स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। ये इलाहाबाद का ऑफिशियल पोर्टल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वैसे अभी इस पोर्टल की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको नींद ना आए, बेचैन हो, दर्द हो, पेन में हो, पीड़ा में हो, तो आप सोने से पहले एक बार ऑफिशियल वेबसाइट का चेक कर सकते हो कि हाँ क्या दिखा रहा है, क्या चीजें हैं। तो बेसिकली आप लोग अभी तन्मयता के साथ लंबी सांसें लो। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगा के रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपके पास फोटोज होने चाहिए, ठीक है, स्कैन फोटो रख लो, सिग्नेचर रख लो, जब CUET का आपका आ जाएगा स्कोर कार्ड तो वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो CUET के एप्लीकेशन नंबर से स्टार्ट होगा पहला प्रोसीजर, फिर उसके बाद स्कोर कार्ड वगैरह वगैरह चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस स्कूल से पढ़े हो वहां से अपना 10वीं 12वीं निकलवा लो, TC माइग्रेशन अरेंज कर लो, जो भी आपके रिजर्वेशन वाले कैटेगरीज के जो बच्चे हैं, जो अपना सर्टिफिकेट डोमेसाइल है या कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS है, OBC है, ST SC का है, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी आपके पास लगभग कुछ दिन है, 15 दिन ऑलमोस्ट, आप इन सभी चीजों को बनवा लीजिए जैसे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो इलाहाबाद पूरा एकदम कट ऑफ निकालेगा और सीधे आपको बुलाएगा और पेमेंट करो एडमिशन ऐसा कराता है वो, तो टाइम नहीं मिलेगा। आप प्लीज बनवा के रखो जिससे आपको पूरे बेनिफिट्स मिले और उसमें कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना ही ना हो। सो ऐसे में प्लीज हमको सब्सक्राइब जरूर करें, और इलाहाबाद के जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पास इस चैनल का अगर सब्सक्रिप्शन है, अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो तो एकदम निश्चिंत होकर सो सकते हो, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट्स आएगा, ऑफिशियल अनऑफिशियल एनालाइज वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए बना के दूंगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप वीडियोस देखो और जो चीजें बताई जा रही है उसे करो, आपका पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो प्लीज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुस्कुराते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।